नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल महाविद्यालय हमीरपुर में नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्रिंसिपल अंजू बत्ता सहगल ने नेता सुभाष चंद्र बोस की समाधि पर पुष्प माल्यार्पण कर किया। जयंती में महाविद्यालय के फिजिकल प्रोफेसर पवन वर्मा व स्टाफ मेंबर और सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाविद्यालय हमीरपुर में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य पर एथलेटिक रेस प्रतियोगिता भी करवाई गई। प्रतियोगिता में लगभग 250 से 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल महाविद्यालय हमीरपुर में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। इस बार भी महाविद्यालय हमीरपुर में नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती में एथलेटिक रेस के सभी खिलाड़ियों व सभी अध्यापकों ने हिस्सा लिया। प्रिंसिपल अंजू बत्ता सहगल ने बताया कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल महाविद्यालय हमीरपुर में नेता सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें समस्त खिलाड़ी व स्टाफ मेंबर फिजिकल प्रोफेसर पवन वर्मा के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि पूरा देश नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके महाविद्यालय का नाम नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा है। आज महाविद्यालय हमीरपुर में, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर है, नेताजी की जयंती बहुत धूमधाम से समस्त खिलाड़ियों के साथ, स्टाफ मेंबर्स के साथ और युवा फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर पवन वर्मा की नेतृत्व में बहुत धूमधाम से मनाई गई। जैसे कि ये उनकी 125वीं जयंती है और इसको पराक्रम दिवस के तौर पर भी देश मना रहा है, तो हमें बहुत हर्ष महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे विद्यालय का नाम ही उनके नाम पर रखा गया है। तो सभी खिलाड़ियों ने मिलकर यहाँ पर माल्यार्पण किया और अभी एक क्रॉस कंट्री के लिए सभी विद्यार्थी इकट्ठे हुए हैं। खिलाड़ी वर्ग करीब 400-500 की तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए और सुबह ही माल्यार्पण किया। महाविद्यालय के फिजिकल प्रोफेसर पवन वर्मा ने कहा कि आज नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। उन्होंने कहा कि नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य पर एथलेटिक रेस प्रतियोगिता भी करवाई गई। प्रतियोगिता में 250 से 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में जीते पहले 10 खिलाड़ियों को इनाम भी दिए गए। उन्होंने कहा कि लमड़ू, कुठेड़ा, हमीरपुर, नाल्टी कई जगहों से खिलाड़ी सुबह 7 बजे से ग्राउंड में पहुंचे हुए थे। पवन वर्मा ने कहा कि आने वाले समय में ऐसी प्रतियोगिताएं करवाते रहेंगे ताकि जो युवा है वो नशे से दूर रहे। सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती थी और हमारा सौभाग्य कि हमारे महाविद्यालय का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर था। आज हमने खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया और इनाम भी प्रतियोगिता थी। इसमें पहले 10 जो प्रतिभागी थे जो मेरिट में आए उन्हें हमने इनाम बांटे और 4 ऐसे प्रतिभागी थे जिन्हें लकी ड्रॉ के हिसाब से हमने उन्हें बैग वगैरह पुरस्कार में दिए। इस प्रतियोगिता में लगभग 250 से 300 बच्चों ने भाग लिया और लमड़ू, नाल्टी, हमीरपुर, कुठेड़ा ऐसे विभिन्न इलाकों से बच्चे सुबह प्रातःकाल 7 बजे यहाँ पहुँच गए थे और इस प्रतियोगिता को करवाया गया। हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य पर ही ये प्रतियोगिता नहीं करवा रहे, हम आने वाले समय में भी विभिन्न प्रतियोगिता करवाते रहेंगे ताकि जो हमारा यूथ है, हमारा युवा है, वो नशे से दूर रहे। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा करते थे कि अगर यूथ मजबूत होगा तो किसी भी देश की जो प्रगति है वो बढ़ेगी, वो देश सशक्त होगा। तो हमने अपने जो यूथ है, जो हमारा यूथ है, उसे हमें नशे से बचाना है और सही राह पर लेके जाना है और खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ये सब कर सकते हैं। एथलेटिक कोच राजेंद्र ने कहा कि आज महाविद्यालय हमीरपुर में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 2 किलोमीटर की रेस करवाई गई, जिसमें कि सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रेस करवाने का उनका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है। मैं राजेंद्र कुमार, एथलेटिक कोच डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आज 2 किलोमीटर का एक दौड़ हुई जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में करवाई गई, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट प्रिंसिपल मैम डिग्री कॉलेज हमीरपुर की तरफ से यहां पे पधारे थे। उन्होंने बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया और साथ में बच्चे जो हमारे पास इंटर कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल की प्रैक्टिस करते हैं और साथ में जो आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये कंपटीशन था।
उनके लिए ये उत्साह भरने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में जो है वो रेस को या दौड़ को क्लियर कर सकते हैं, इसलिए ये प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें मेरे साथ डॉक्टर पवन वर्मा फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर डिग्री कॉलेज हमीरपुर की तरफ से यहाँ थे और हमने ये प्रतियोगिता बच्चों को उत्साहित करने के लिए और नशे से दूर रखने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जो कि लगातार बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए महीने में एक प्रतियोगिता हम यहाँ पे करवाते रहते हैं। प्रतियोगी अभिषेक ने बताया कि आज नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 2 किलोमीटर की रेस करवाई गई, जिसमें उनका प्रथम स्थान रहा है। उन्होंने कहा कि वो आर्मी की प्रैक्टिस करने यहां आते हैं और उनके कोच उन्हें सुबह शाम प्रैक्टिस करवाते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि में एथलेटिक्स रेस करवाई गई, जिसमें मेरा स्थान प्रथम रहा। मैं अभिषेक ठाकुर यहां आर्मी की प्रैक्टिस करने के लिए आता हूं, जिसमें मेरे कोच रजिंदर सर जी हैं जो हमें सुबह शाम प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रतियोगी जीवन ने बताया कि वे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और कोच राजेंद्र उनको हर रोज प्रैक्टिस करवाते हैं। उन्होंने कहा कि आज नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में रेस करवाई गई, जिसमें कि उनका दूसरा स्थान रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में बिजी रहे खिलाड़ियों को इनाम भी बांटे गए। नाम जीवन प्रकाश है, मैं आर्मी की तैयारियां 2 साल से कर रहा हूं। मेरे कोच श्री रजिंदर शर्मा जी यहां पे प्रैक्टिस करवाते हैं, मेरे को यहां प्रैक्टिस करते हुए 2-3 साल हो गए। काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ सर प्रैक्टिस अच्छी तैयारी करवाते हैं और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है, इसके उपलक्ष पर यहां पर 2 किलोमीटर की रनिंग हुई, उसमें मेरा स्थान सेकेंड रहा, दूसरे स्थान पर आया मैं। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को और इन्होंने अच्छे पुरस्कार और अच्छे इनामों के साथ मुझे पुरस्कार दिए तथा मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी चीफ गेस्ट भी यहाँ बुलाए गए थे। प्रतियोगी अक्षय ने बताया कि आज नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में रेस करवाई गई, जिसमें कि उनका तृतीय स्थान रहा है। उन्होंने कहा कि कोच खिलाड़ियों को सुबह शाम प्रैक्टिस करवाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे आज यहाँ पे एक प्रतियोगिता करवाई गई। मेरा नाम अक्षय है और मैं तृतीय स्थान आया और यहाँ पे जो कोच हैं वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा तृतीय स्थान आया। इसी तरह से यहाँ पे प्रोत्साहित करते रहे हमें तो बहुत अच्छा लगता है।